प्लीज वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो है मैदा, कॉर्नफ्लोर, ऑयल, नमक। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका आटा लगाएंगे। पहले मैदा डालेंगे, कॉर्नफ्लोर इसलिए डाले क्रिस्पनेस के लिए, नमक, ऑयल, ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हल्का गर्म पानी लेंगे और उससे ये आटा लगाएंगे और हम सॉफ्ट डो इसका लगाएंगे। हमने इसका एकदम सॉफ्ट डो कर लिया है और अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब इसको रेस्ट किए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ऐसे ही मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। हम ये पेड़े को बेलेंगे और पतला बेलेंगे। जितना पतला हो सके से करेंगे। अब हम दूसरी शीट बनाएंगे। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे, इसको भी पतला बेलेंगे। अब इसको फिर से हम तवे पे पकाएंगे। ऐसे ही मैं बाकी की सारी शीट्स बना लूँगी। अब सारी स्प्रिंग रोल शीट्स तैयार हैं। आप ये जो शीट्स हैं इनके और इन शीट्स को हम 4-5 दिन तक आराम से, जिप्लिक लॉक बैग है ये, इसमें हम रख सकते हैं। इसमें ये ख़राब नहीं होंगी। स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के बाद अब हम उसके अंदर जो फीलिंग भरनी है उसकी तैयारी करेंगे। मैंने नूडल्स बॉईल करके रख लिए हैं, चॉप्ड कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, नमक, सोया सॉस, टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, अनियंस। कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें अनियंस डालेंगे। अनियंस को सॉटे करेंगे। टू से थ्री मिनट सॉटे करेंगे। टू से थ्री मिनट सॉटे कर चुके हैं। हल्का लाइट पिंक कलर आ चुका है इसका। अब कैबेज डालेंगे, कैप्सिकम, कैरेट, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थ्री मिनट थोड़ा सब्जियों का कच्चापन निकलेगा, उसके बाद हम नूडल्स डालेंगे। सब्जियों में कच्चापन निकल चुका है लेकिन क्रंच बाकी है क्योंकि हमने इसे ज्यादा नहीं पकाया। अब नूडल्स डालेंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारी फिलिंग एकदम रेडी है। अब ये फिलिंग तैयार है। इसको ठंडा होने के बाद स्प्रिंग रोल शीट में फिल करेंगे। फिलिंग रख ली है
और अब जो हमने पेस्ट बनाई थी वो हम लगाएंगे जिससे कि ये सील हो जाए, निकले नहीं फिलिंग। एंड में जाके चिपका देंगे। ये हमारा एक रोल रेडी है। ऐसे ही हम बाकी के रोल्स बनाएंगे, दूसरा स्प्रिंग रोल बनाएंगे, वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा दूसरा स्प्रिंग रोल भी रेडी है। ऐसे ही मैं बाकी के सारे रोल्स बना लूँगी। और मैंने तेल भी गरम करने रख दिया है जिसमें हम स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे। अब हम इन रोल्स को फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया था, और तेल गरम है अच्छे से। अब हम इसको तेल में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो तेल भर जाएगा, इसलिए इसे हाई फ्लेम पे ही करना है। देखिए अभी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो जो ये वाला गोल्डन ब्राउन हो गया है इसको निकाल लेंगे। हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हैं। आप भी मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियोस को बहुत सारे लाइक्स देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।